ये बड़ी खबर है कोरोना से जुड़ी, क्योंकि एक बार फिर से देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 201 नए मामले सामने आ चुके हैं और 24 घंटे में कोरोना के 183 मरीज ठीक होकर वापस हालांकि घर भी लौटे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा और कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। चीन में कोरोना महामारी की भयानकता बढ़ रही है, उसको देखते हुए चीन में से आने वाले पैसेंजर जापान, सिंगापुर, बैंकॉक सभी से जो पैसेंजर आ रहे हैं उसको एयर सुविधा पोर्टल के माध्यम से मॉनिटर किया जा रहा है, किया जाएगा। चीन में कोरोना महामारी की भयानकता बढ़ रही है, उसको देखते हुए चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, हांगकांग तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, मनसुख मांडविया की ओर से भी कह दिया गया है कि लगातार जहां एक तरफ चीन में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे साथ लगते देश यानी कि भारत में भी चिंता बढ़ती जा रही है। देश में एक बार फिर से जो है कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। अगर अपडेट आपको दे तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 201 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में कोरोना के 183 मरीज ठीक होकर वापस अपने घर पहुंचे हैं। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 4,41,42,791 पहुंच चुकी है। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 3,397 है। वहीं अब तक देश में कुल 90,97,00,000 सैंपल की कोविड जांच हो चुकी है और देखिए जीनोम सिक्वेंसिंग पर फोकस किया जा रहा है। बात हरियाणा की, हरियाणा में शुक्रवार को कोरोना के 2 संक्रमित मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में कोरोना के 2 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए। प्रदेश में सक्रिय संक्रमितों की संख्या की अगर बात करें यानी कि जो एक्टिव मामले हैं उनकी हम बात करें तो उनकी संख्या 15 है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लेकिन देखिए क्योंकि इस समय जिस तरीके से क्रिसमस भी आ रहा है और इसके साथ ही नए साल का जश्न भी है तो इस बीच कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं जो कि आम जनता के लिए इस समय चिंता का सबब बने हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उन्हें किसी भी तरीके से रोका जाए। और देखिए प्रहार कहां पर करना है प्रशासन को, वो है BF.7 जो कि सब वेरिएंट है BF.5 का, जो कि सबसे ज्यादा अब तक का घातक सब वेरिएंट बताया जा रहा है। इसीलिए सरकार और प्रशासन की ओर से जीनोम सिक्वेंसिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता हरसिमरत इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरसिमरत, देखिए इस समय कोरोना को लेकर भारत में जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं भयावह बनी हुई है और ऐसे में जहां पर अभी जश्न का सिलसिला शुरू होना है उस बीच कोरोना के बढ़ते मामले क्या ये भी संकेत देते नजर आ रहे हैं कि एहतियातन कुछ ऐसे निर्देश जो है वो लागू किए जा सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको जो जश्न का दायरा है वो सिकोड़ना पड़ जाए। जी बिल्कुल दीपशिखा, अगर बात की जाए कोरोना की तो जिस तरह ये पैर पसार रहा है उसे लेकर काफ़ी जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से और जो राज्य सरकार है वो यह यकीनी बना रही है कि उन निर्देशों की पालना जो है वो की जाए। साथ ही साथ ये अपील भी की जा रही है कि लोग अपना ध्यान खुद रखें और अपनी जो जिम्मेवारी है वो समझे कि अगर भीड़भाड़ वाले इलाके में है तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और अगर ज़रूरत हो तो मास्क का उपयोग भी ज़रूर करें। वहीं अगर सरकारी कार्यालयों की बात की जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट में ज़्यादातर जो
है सभी को दस्ताने पहनने के लिए और साथ ही साथ मास्क लगाने की हिदायतें जो है वो दे दी गई हैं। साथ ही साथ अब जैसे जश्न का माहौल रहने वाला है, नया साल आने वाला है, क्रिसमस रहेगा, तो इसी को लेकर काफी जगह पर लोगों का इकट्ठ भी देखने को मिलेगा। तो इसमें ये चीज जरूर देखने वाली होगी कि लोग अपना ध्यान खुद से कैसे रखते हैं, क्योंकि अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो जो जरूरी दिशा निर्देश थे उनकी तरफ से दे दिए गए हैं। वही राज्य सरकार का भी यही कहना है कि अगर केंद्र द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनकी जो पालना है वो राज्यों में जरूर करवाई जाएगी। जी बिल्कुल हरसिमरत, और देखिए जीनोम सिक्वेंसिंग पर भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जो सबसे घातक वेरिएंट है BA.7 उसकी जांच में आना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि उसे जल्द से जल्द उसका इलाज भी किया जाए उन मरीजों का, और साथ ही से आगे बढ़ने से रोका जाए। जी बिल्कुल दीपशिखा, तो इस तरह के जो भी मरीज हैं तो उनको लेकर भी हिदायतें जो हैं वो जारी की गई हैं। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वो फ्लू रहता है, तो फ्लू को कंट्रोल करने के लिए, फ्लू को देखने के लिए भी अलग अलग जो हिदायतें हैं वो दी गई हैं। अगर हरियाणा की बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री द्वारा हिदायतें पहले से ही दे दी गई हैं। उन्होंने बताया कि हर एक अस्पताल में एक फ्लू कॉर्नर जो है वो बनवाया जाएगा, जो भी फ्लू के पेशेंट रहेंगे उनका जो RT-PCR है तत्काल प्रभाव से किया जाएगा, और इसके बाद जाँच की जाएगी कि उनको कोरोना है या फिर अगर कोई कोरोना का उनका वेरिएंट है तो उसका जो इलाज है वो भी साथ के साथ ही तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। हिमाचल में कोरोना के एक्टिव मामलों की अगर संख्या है तो उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देखिए प्रदेश में 23 दिसंबर तक 26 एक्टिव मरीजों की इस समय संख्या हो चुकी है। वहीं मरीजों की अगर संख्या की बात करें 16 दिसंबर तक प्रदेश में सिर्फ 14 एक्टिव मामले थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब से BF.7 सामने आया है कितनी तेजी के साथ जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि BF.7 जो कि BA.5 का सब वेरिएंट है उसकी क्षमता है वो 17 से लेकर 18 लोगों को एक साथ एक बार में संक्रमित कर सकता है। अब ऐसे में BA.7 के खतरे को देखते हुए हिमाचल स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है, सभी को मास्क पहनने की सलाह दी है, भीड़ भाड़ और इंडोर हॉल में मास्क लगाने के लिए कहा गया है, ये जरूरी दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस समय जुड़ चुके हैं। प्रदीप देखिए, हिमाचल प्रदेश पर्यटन नगरी, और बीते अगर कुछ महीनों की बात करें तो 80% ज्यादा उछाल हिमाचल प्रदेश में नए साल के इस सीजन को लेकर देखने को मिल रहा है। सारे होटल्स बुक है, सब कुछ पैक है, और इसी बीच कोरोना की ये दस्तक कहीं ना कहीं कई मंशाएं यहां पर पैदा कर रही है। बिल्कुल दीपशिखा, देखिए जिस तरह से कोरोना का जो नया वेरिएंट है, ओमिक्रोन का जो सब वेरिएंट है, ये पूरी दुनिया के लिए एक नया खतरा बन गया है। उसको देखते हुए भारत में भी एडवाइजरी पहले ही जारी हो चुकी है, सभी राज्यों को निर्देश जारी हो चुके हैं, और इसी कड़ी में पिछले कल हिमाचल प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग ने, जो प्रधान सचिव स्वास्थ्य है सुभाषीष पंडा, उनकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। उसमें कुछ बातों पर फोकस करने के लिए लोगों से अपील की गई है। हालांकि न्यू ईयर और क्रिसमस का ये हम कह सकते हैं कि समय है, और अगले कल क्योंकि क्रिसमस है तो ऐसे में पर्यटक जो है हिमाचल बड़ी संख्या में आते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने पहले ही तय किया है और निर्देश भी दिए हैं प्रशासन को कि पर्यटकों को एक अतिथि की तरह ट्रीट किया जाए, उनके लिए जो सुविधाएं हैं तो उनको ट्रैफिक में नहीं फंसने चाहिए, उन्हें कोई और दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें ये कहा गया है कि जो होटलियर होंगे, होटल में जहाँ पर्यटक आएंगे वहाँ कोविड अनुरूप व्यवहार यानी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी पालना होनी चाहिए, मास्क लगाकर होने चाहिए सभी लोग, और इसके साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाए। साथ ही जो प्रदेश के आम लोग हैं उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर आपने प्रिकॉशन डोज नहीं ली है तो आप इस डोज को तुरंत लें। तो ऐसे में जो CMO स्तर पर, जिला स्तर पर अस्पताल में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति छूटा है कोविड इसको वैक्सीन लेने से तो उस वैक्सीन को आप समय रहते, जो प्रिकॉशन डोज है उसको आप समय रहते लें। और उसके साथ साथ आम लोगों से ये भी अपील की गई है कि अगर आपके अंदर सर्दी जुकाम जैसे लक्षण हैं, इस तरह की कोई अगर किसी में लक्षण है तो तुरंत आप RT-PCR करें। हालांकि हिमाचल सरकार ने, जो स्वास्थ्य विभाग है उसने अपनी एडवाइजरी में और अपने स्तर पर ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जो रैट टेस्ट होता है यानी जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है उसको हिमाचल में अब कोई मान्यता नहीं होगी, केवल RT-PCR टेस्ट को ही मान्य माना जाएगा, उससे हुआ कोविड टेस्ट ही मान्य माना जाएगा, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। बिल्कुल, ये बड़ी बातें जो है वो इस साल का जो आंकड़ा है हिमाचल
प्रदेश की अगर बात करें तो टॉप थ्री प्लेसेस में शुमार है हिमाचल प्रदेश, जिसमें गोवा है, उत्तराखंड है और उसके बाद हिमाचल का नाम है, जहां पर बहुत सी संख्या में पर्यटकों ने इस बार दीदार करना पसंद किया है। अब ऐसे में जहां पर पर्यटन सीजन पीक पर है, कोरोना का यूं आना, ये तमाम दिशा निर्देश जारी हो जाना क्या पर्यटन सीजन पर असर डालेंगे? बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी एडवाइजरी जारी की गई है और हमने देखा कि जब से इस नए वेरिएंट की बात हो रही है उसके बावजूद भी हिमाचल में पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अब प्रशासन के पास ये चुनौती रहेगी, स्वास्थ्य विभाग के पास भी ये चुनौती रहेगी कि जो पर्यटक आ रहे हैं उनको अवेयर करना है कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जिस तरह से बातें हो रही है इस सब वेरिएंट को लेकर और उसमें जिस तरह से ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जीनोम सिक्वेंसिंग की जो आंकड़ा है, जो संख्या है, उसको बढ़ाया जाए, तो प्रदेश भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर कोई इस तरह के कोविड पॉजिटिव मरीज है उनकी जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए उनके सैंपल भेजे जा रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि कहीं प्रदेश में इस तरह ये नया वेरिएंट तो एंटर नहीं कर गया है। हालांकि हमने देखा जो रोजाना केसेस आ रहे हैं, अब 26 जो है इस वक्त एक्टिव केस पहुंचे हैं, पिछले कल 4 नए केस सामने आए हैं, तो रोजाना जो केस आ रहे हैं वो ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर सैंपलिंग बढ़ेगी और जो साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि एक वायरल जैसी स्थिति बनती है कि सर्दी है, जुकाम है, लोग उसको नॉर्मल लेते हैं कि ये एक सर्दी जुकाम जैसा ही स्थिति है, तो वो जो है वो खतरे वाली स्थिति हो सकती है। खतरे वाली स्थिति वो बनती नजर आएगी और ऐसे में हमने देखा है कि हो सकते हैं हिमाचल के लोगों का कॉन्फिडेंस इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा आइसोलेटेड मरीज हमने देखा जब कोरोना की लहर आई तब थे। अब दिल्ली से हमारे साथ राजा भी जुड़ चुके, प्रदीप आप हमारे साथ बने रहिए। राजा, आपसे हम जानना चाहेंगे, देखिए इस समय जो देश का दिल है दिल्ली, वो इस समय काफी ज्यादा जो भीड़ का एक केंद्र बना हुआ नजर आ रहा है, चाहे बात भारत जोड़ो यात्रा को लेकर की जाए या फिर नए साल के जश्न को लेकर की जाए। इस बीच कोरोना का यूं आना आम जनता के लिए, प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात और दिल्ली सरकार इसे कितना सीरियस ले रही है? और बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार अलर्ट पर है लगातार, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ बैठकों का दौर भी जारी है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं और जो एक्सपर्ट हैं उनसे बैठक कहीं ना कहीं की थी 2 दिन पहले, और जिस तरीके से अब जो दिल्ली के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। हालांकि अभी कोई दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी नहीं कही, कोई पाबंदी नहीं है, पर जिस तरीके से जागरूक की बात है लोगों को यहाँ पर जागरूक होना होगा। दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली के जैसे चांदनी चौक के इलाके हैं, सदर बाजार के इलाके हैं, कनॉट पैलेस हैं, ऐसे तमाम जो इलाके हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, पर लोगों को यहाँ पर जरूर जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से जो नया वेरियंट है इसको काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। चाहे केंद्र सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, अलर्ट मोड पर जरूर है और लोगों से भी लगातार दिल्ली सरकार अपील कर रही है कि जिस तरीके से जो वेरिएंट है ये खतरनाक है, ऐसे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लोगों को सावधानी बरतनी होगी, समय रहते यदि सावधानी बरती जाए तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, समय रहते कंट्रोल किया जा सकता है अगर अभी से सावधानी बरतें, लेकिन सावधानी बरतने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कितने काफी यहाँ पर राजा पटेल साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने चीन में देखा जहां पर कोरोना के मामले बढ़े उसके बाद पाबंदियां लगाई गई, लेकिन जैसे रियायत दी गई हालात यहां तक पहुंच गए कि एक दिन में 3 करोड़ से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। और बिल्कुल, देखिए ये चिंता की बात है, देश की बात करें या फिर जिस तरीके से अलग अलग देशों में लगातार जो कोरोना के मामले हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, चीन की बात करें, अलग अलग देशों की बात करें, ऐसे में केंद्र सरकार की बात करें, स्वास्थ्य विभाग जो है केंद्र सरकार का वो भी काफ़ी चिंतित जरूर नज़र आ रहे हैं, लोगों को यहाँ पर जरूर जागरूक करते हुए नज़र आ रहे हैं, पर जो मामले लगातार निकल कर सामने हैं ये एक चिंता का विषय है। पर दूसरी ओर जो जानकारी है, जिस तरीके से जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडिया, उन्होंने सभी कल जो है स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की थी और हर एक जो जिले हैं, अलग अलग राज्यों के जो जिले हैं वहाँ पर किस तरीके से बेड्स की फैसिलिटीज हो, किस तरीके से ऑक्सीजन की बात करें, मेडिसिन की बात करें पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, यदि कोई ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके से जो पीछे 2020 की बात करें, 21 की बात करें, जो देश ने स्थिति देखी वो स्थिति दोबारा देश में ना हो, उसको लेकर केंद्र सरकार की बात करें, स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं अलर्ट नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रदीप भी हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, देखिए
जैसे कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, सबसे पहले सीएम कोरोना से संक्रमित पाए जाते, इस तरीके की खबरें सामने आई। अब ऐसे में आम जनता में भी कोरोना का डर जो है वो सताने लगा है। सरकार से इस उम्मीद से आम जनता देख रही है कि चाहे जो बाकी फैसलों के वादे किए गए वो भले बाद में हो, लेकिन सबसे पहले जो स्वास्थ्य की समस्या आते ही उनके लिए एक चुनौती के रूप में खड़ी हो गई है, उसका कहीं ना कहीं सामना हिमाचल सरकार या हिमाचल प्रशासन डट कर करे। बिल्कुल बिल्कुल दीपशिखा, देखिए ये एक बड़ी चुनौती रहेगी अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं, और उस स्थिति में अगर प्रदेश की बात करें तो कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो बातें कही गई हैं कि तैयारियां हमने पूरी रखी हैं, अगर कोरोना की चौथी लहर आती भी है तो उस स्थिति में हिमाचल उससे निपटने के लिए तैयार है। हालांकि चुनौतियां रहेंगी, प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, और उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जब नया साल आता है यहाँ पर पर्यटक जो हैं, जब बर्फबारी होती है तो पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, तो हमेशा खतरा यही बना रहेगा कि बाहर से यहाँ पर कोरोना ना आए। तो ऐसी स्थिति में ये प्रशासन के पास एक बड़ी चुनौती रहेगी कि कैसे वो पर्यटकों को इस बात को लेकर समझाते हैं कि आपने मास्क लगाकर ही निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का आपने ध्यान रखना है, अगर आपके अंदर कोरोना जैसे कोई लक्षण है, सर्दी जुकाम के कोई लक्षण है, तो ऐसे में आप अपनी यात्रा ना करें। ये एक चुनौती जो है वो रहेगी सरकार के पास भी। हम बिल्कुल प्रदीप, तो ऐसे में ध्यान रखना होगा, आम जनता को भी जागरूकता और सतर्कता से यहाँ पर काम लेना होगा। आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कोरोना से इस समय कोई भी राज्य अछूता नजर नहीं आ रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक से उत्तराखंड सरकार भी अब अलर्ट मोड में आ गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। देहरादून में 2 कोरोना के मामले और रुद्रप्रयाग में 1 संक्रमित मिला है। राज्य सरकार ने केंद्र से 3 लाख प्रिकॉशन डोज उपलब्ध कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। तो बूस्टर डोज लगवाने की अपील यहां पर आम जनता से की जा रही है। जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है वो बूस्टर डोज जरूर लगवाएं, यह अपील आम सरकार की ओर से की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, देखिए लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, लगातार कोरोना के बढ़ते मामले और इस बीच बूस्टर डोज लगाने की सरकार की ओर से ये अपील क्या दर्शा रही है कि आने वाले समय में जो नियम है, कायदे कानून है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए वो और ज्यादा सख्त हो सकते हैं? बिल्कुल दीपशिखा, देखिए कल ये शुभारंभ हो चुका था जो बूस्टर डोज लगानी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था सचिवालय परिसर में, और अब 13 के 13 जिलों में एक अभियान चलाया जाएगा, कैंप लगाए जाएंगे बूस्टर डोज के लिए, और केंद्र सरकार से भी करीब 3 लाख जो बूस्टर डोज है उसके मांगी गई है। और क्योंकि देखिए उत्तराखंड में बहुत ज्यादा भी कोविड के केस तो नहीं है, कल ही अगर बात करते हैं दीपशिखा तो सिर्फ 3 केस आए थे, लेकिन उत्तराखंड क्योंकि एक पर्यटक राज्य है, बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, और अभी क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में भी बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आएंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो नया वर्ष आने वाला है तो उत्तराखंड में जो नया वर्ष है उसमें भी बहुत सारे दूसरे प्रदेशों के पर्यटक उत्तराखंड में पहुंचते हैं। बिल्कुल राव शफात अली जी जी, इसी के साथ मैं एक सवाल ये भी आपसे आम जनता की जानकारी के लिए पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कि जैसे जैसे कोरोना की लहर बढ़ती जाती है और ज्यादा आक्रामक और संक्रामक होती जाती है, वैसे वैसे कई जो ऐसे कार्यालय हैं, कई जो ऐसे संस्थान हैं, वो ये आदेश दे देते हैं कि आपको वैक्सीन लगाना जरूरी है, और फिर चाहे वो बूस्टर डोज की बात करें या आपकी पूरी वैक्सीनेशन प्रक्रिया की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली बार हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की ओर से कह दिया गया था कि बाध्य नहीं कर सकते आप किसी को, लेकिन एहतियातन लोगों को जरूर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। देखिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है, क्योंकि जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन हाँ दीक्षिका जो पहली डोज थी उसको कहें तो पूरे राज्य में 100% डोज लग चुकी है, दूसरी डोज में थोड़ी सी कमी थी, लेकिन जो बूस्टर डोज है उसमें थोड़ी कमी आई थी, बूस्टर डोज के लिए लोग लापरवाह हो चुके थे या फिर लगवाना नहीं चाहते थे बूस्टर डोज को, तो अब राज्य सरकार ने अभियान चलाया है कि जो बूस्टर डोज है वो लगवाई जाए, और यही वजह है कि 13 के 13 जिलों में कैंप लगाए जाएंगे और ये इसकी शुरुआत कल से भी हो चुकी है, और सचिवालय परिसर में जो कर्मचारी थे उन्होंने खुद ही बूस्टर डोज लगवाई, जिन लोगों ने नहीं लगवाई थी
अब जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, और अगर उस राज्य से पर्यटक आते हैं जहां कोविड सबसे ज्यादा है या फिर जो वेरिएंट है नया वहां सबसे ज्यादा है, तो उत्तराखंड में अगर वो आते हैं और भीड़ वाले इलाकों में पहुंचते हैं तो ये समस्या बन सकता है उत्तराखंड के लिए आने वाले वक्त में। हालांकि अभी हार्डकोर कोई गाइडलाइन नहीं है, उत्तराखंड में कोई भी पर्यटक आ सकता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, आपका तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, चीन और जापान में कोरोना से हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। एक बार फिर से चीन कोरोना को लेकर अपने आंकड़े छिपा रहा है। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, ब्लूमबर्ग ने चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के हवाले से जानकारी दी, चीन में एक दिन में 3,70,00,000 लोग संक्रमित हुए हैं। चीन में 20 दिनों में 24,80,00,000 लोग संक्रमित हुए, और इसके पहले जनवरी में एक दिन में 40,00,000 कोरोना मरीज मिले थे। तो चीन में शवों को कंटेनर में स्टोर किया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस समय चीन में क्या हालात बने हुए हैं।